आइए जान लेते हैं अगले तीन दिनों में छत्तीसगढ़ में कैसा रहेगा मौसम, कहां बारिश होगी तो कहां पर बादल छाया रहेगा। जानेंगे सभी जिलों के नाम इसी वीडियो में। इसके पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन जरूर करना ताकि मौसम से जुड़ी सारी जानकारी मिलती रहे, और कमेंट कर जिलों के नाम हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए बात करते हैं 10 जुलाई के मौसम समाचार की। कुछ स्थानों पर बारिश होने वाली है, उन जिलों का नाम है कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, कबीरधाम, बेमेतरा, बलौदाबाजार, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, धमतरी और गरियाबंद। इन सभी जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। वहीं अधिकांश स्थानों पर बारिश होने वाले जिलों की बात करें तो राजनांदगांव, बालोद, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा और सुकमा। इसके बाद बात करते हैं 11 जुलाई को मौसम कैसे रहेगी। तो कुछ स्थानों पर बारिश होने वाला है, उन जिलों की नाम की बात करें तो कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर। वहीं अधिकांश स्थानों पर बारिश होने वाले जिलों की नाम की बात करें तो बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कबीरधाम, बेमेतरा, बलौदाबाजार, राजनांदगांव, दुर्ग, रायगढ़, महासमुंद, बालोद, धमतरी, गरियाबंद, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा। साथ ही बात करें 12 जुलाई की तो 12 जुलाई को दोस्तों कुछ स्थानों पर बारिश होने वाला है, उन जिलों का नाम है कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। इनके अलावा बात करें अनेक स्थानों पर बारिश वाले जिलों की तो बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर चांपा, सरगुजा और जसपुर, इन सभी क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर बारिश हो सकती है। इनके अलावा अधिकांश स्थानों पर बारिश होने वाले जिलों की नाम की बात करें तो रायगढ़, बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद, कबीरधाम, बेमेतरा, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद, धमतरी, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा। तो ये रहा दोस्तों आने वाले अगले तीन दिनों के लिए ताज़ा मौसम अपडेट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं और नए अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।